ले जी, आज बहुत ही खास और बहुत ही तेज और बहुत ही फुल ऑफ कैजुअलनेस के साथ हम ये प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे बहुत पुराना जानते हैं और मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ। सखी, आपने सारी जिंदगी में सारा कुछ किया, आपकी मैंने स्ट्रगल देखी यहाँ से लेके यहाँ तक। दुनिया को ये पता चल जाए कि सखी ने जब टक्कर ली थी 93-94 में पूरी दुनिया के साथ कि यार देखो, मैं छत वाला बॉलर नहीं हूँ, मैं मेलबर्न वाला बॉलर हूँ, मैं मेलबर्न में एमसीजी में लोगों को नचाऊंगा। जब सखी ने छतों में नचाया लोगों को, अपने बहन भाइयों के साथ क्रिकेट खेलता था, ऐसे ऐसे करते थे, यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो यार, ये तुम कहाँ से ले आए, और फिर ये तुमने क्या ड्रामा क्रिएट किया, 6-7 साल दुनिया तो अंधी हो गई थी। शमी, आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय पेरेंट्स। मेरी वालदा बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत रूहानी थी। वो मुझे कहा करती थी, बच्चा जो चाहिए दुआ जरूर मांगा करो, नमाज पढ़ो और दुरूस भी पढ़ा करो। Absolutely. बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी, वो दुआएं भी करती थी। छत पे जब मैं होता था, क्रिकेट खेल रहा होता था, तो क्योंकि उस जमाने में इमरान भाई का बड़ा नाम था और अब्दुल कादिर साहब का बड़ा नाम था, उनको जादूगर कहा जाता था। तो मेरे ये कानों में था इमरान भाई का इंडीपर फेस, अग्रेशन, वो सारा कुछ, और अब्दुल कादिर साहब का गुगली फ्लिपर, जादूगर कहा जाता था। तो मेरी ख्वाहिश होती थी मैं भी कोई ऐसी चीज करूं, मैं मैजिशियन बनूं, मैं भी कुछ ऐसा कर दूं तो मुझे भी लोग कहें। तो मैं अपनी वालदा को कहा करता था कि मुझे कोई डिफरेंट चीज चाहिए। वो मुझे कहती थी दुआ पढ़ो, दुआ करो, नमाज पढ़ो, दुरूद पढ़ो। okay. छत के ऊपर टेबल टेनिस गेंद के साथ मैं प्रैक्टिस करता रहता था, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करता था। और ये जेन में कैसा आया? दूसरा जेन बस यही था कि यार कुछ मुख्तलिफ करना है, और अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिया है, 5 फिंगर्स हैं, मुख्तलिफ ग्रिपों को मैं ट्राई करता रहता था। ये जो कैरम बोल जो निकला है, ये हम तो उस जमाने में करते थे जब हम 6-7 साल के थे, छत के ऊपर खेलते थे, करके गेंद को फेंकते थे। तो मुख्तलिफ तरीके से करते करते एक दिन जैसे मैंने गेंद को पकड़ा तो ऑफ स्पिन ऐसे करते हैं, तो मैंने ऐसे ही हल्का सा इस तरफ किया तो गेंद इस तरफ टर्न हो गया। अच्छा, वो छत पे जब मैं खेल रहा था तो क्योंकि हम सब लोग खेलते थे शॉर्ट डिस्टेंस से, हाथ की पोजीशन नजर आ रही होती थी, मगर ये थोड़ी सी नजर नहीं आया। वहां से फिर टेबल टेनिस से जो है अच्छा, वो दूसरा डेवलप हुआ, दूसरा डेवलप होगा, और फिर सकलैन बन गया, पाकिस्तान टीम में आया। लो जी, दूसरा बंदा जो एक साल में सब ज्यादा रन करने वाला, शुरू से 97 में आया शेखपुरा। मैंने उनको पहली बार देखा, मैंने कहा तुम कौन हो, उन्होंने कहा तुम बताओ तुम कौन हो, मैं तुम्हें पुले और छक्के मारूंगा, हुक करूंगा, ये करूंगा। मैंने कहा यार दलेर आदमी लगता नहीं है, शक्ल से दलेर आदमी, लेकिन पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट एवर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से कह सकते हैं, मोहम्मद यूसुफ। कैसा है मोहम्मद? अल्लाह का शुक्र शुभ भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। कैसी रही जर्नी? बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, खुशबाश, जबरदस्त। मुझे ये बताओ यूसुफ के आपका भी एक स्ट्रगलिंग करियर था, हम तीनों में, मैं स्पेशली आप दोनों के, आप मेहमान हो, आप ये जरूर बताएं लोगों को, बच्चों को, कि बगैर दलेरी के बगैर एटीट्यूड के आप इस मुकाम पे पहुंच नहीं सकते। यूसुफ ये बता दे कि मैं कैसे पहुंचा था। शोएब भाई, बात ये है कि करने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन आप किसी भी फील्ड में है, किसी भी शोबे में है, अगर फेयर होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। खौफ कि मैं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अच्छा, अगर मैं बैटिंग अंदर करने जा रहा हूँ, मेरे अंदर ये खौफ है कि मैं आउट ना हो जाऊँ, मुझे बॉल ना लग जाए, अच्छा, तो ये चीजें हो जाएंगी। इस खौफ को निकाल के अंदर जाना। अच्छा जी, चलो बहुत सीरियस बातें होंगी, लाइट बातें करते हैं, लाइट बातें इसलिए करते हैं, लोग सुनना चाहते हैं जी कि यूसुफ कौन है असल में, सकलैन कौन है। वो लोग कहते हैं यार ये एक जिंदगी गुजारी, हम तो बिल्कुल पता ही कख नहीं है हमें इनके बारे में, सखी कौन है। मैं कहा जी सखी बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा विट्टी आदमी है और खुश रहने वाला आदमी है। सखी, खुशी का राज क्या है? खुशी का राज यही है कि भाई जितने दोस्त हैं उनके साथ अच्छा टाइम गुजरे, कैसे गुजरे, दिल अच्छा होगा, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। आई वॉज लकी कि मुझे जितने भी दोस्त मिले बहुत अच्छे मिले, पैसे पामे उन्होंने मेरे को खो लेते 250 रुपया, अभी तक 250 रुपया नहीं दिया। ये तो वो बता दे लोगों को 250 रुपया क्या है। 250 रह गए थे मेरे पास PIA से, मैं जब खेल रहा था, मैं और शोएबी, तो शोएबी साहब आए, कहने लगे यार सखी कितने पैसे हैं? मैंने कहा ये सिर्फ 250 रह गए और 1.5 महीना हमने कराची में रहना है क्रिकेट खेलने के लिए। तो वैसे ही खेल लेते फर्स्ट क्लास, पैसे लेके चला गया, शाम को है सारी शॉपिंग कर ली, पैसे वैसे मेरे भी अपने भी मिला के, खाने के लिए पैसे कोई नहीं थे। और मैंने कहा यार शो अभी क्या कर दिया, फाके आ गए, तू 250 दे गया इसे, फिर भी 3-4 दिन निकल जा रहे। पैंट शर्ट कैसी थी? नहीं, माशाल्लाह, पैंट शर्ट पहन के दिखाई नहीं मैंने, भाई मैं कैसा लग रहा हूँ।